ठीक है, होगी रिकॉर्डिंग ऑन। हेलो स्टार्ट कर लूं? जी मैम, स्टार्ट जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें जो हमारा मेन फोकस होगा सबसे पहले वो उसके मैकेनिकल डिजाइन या मैकेनिकल स्ट्रक्चर पे होगा। अच्छा, अच्छा ट्रांसमिशन लाइन क्या है? सबसे पहले ये देख लेते हैं, ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली एक केबल की तरह ही होता है, ठीक है। इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ केबल। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कंडक्टर्स विच आर यूज्ड टू कैरी द इलेक्ट्रिकल पावर। ट्रांसमिशन लाइन का बेसिक मकसद क्या होता है? जनरेशन एंड से कंज्यूमर एंड तक इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना। अगर हमारे ट्रांसमिशन लाइन जो है एक्ट एज अ लिंक बिटवीन जनरेटिंग स्टेशन एंड डोमेस्टिक लोड्स, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो होती है अच्छा, ट्रांसमिशन लाइन इज बेसिकली मेड अप ऑफ जिसमें हमारे पास कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर होते हैं, मेन कंपोनेंट्स ऑफ ओवरहेड लाइंस। हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन ओवरहेड भी हो सकती है और अंडरग्राउंड भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली ओवरहेड को प्रेफर किया जाता है क्योंकि हमें अपने सिस्टम को कॉस्ट इफेक्टिव बनाना होता है। अंडरग्राउंड में एक तो फॉल्ट डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, सेकेंडली उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो जब भी कोई सिस्टम या इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें इस बात का ख्याल रखा जाता है कि हमारा सिस्टम जितना उसमें जितनी कम से कम कम कॉस्ट लगे उतना ज़्यादा बेहतर है। उसी हिसाब से कंडक्टर, सपोर्ट्स, टावर्स वगैरह डिज़ाइन किए जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं। अच्छा, मेन कंपोनेंट्स ऑफ ओवरहेड लाइंस। ओवरहेड लाइंस के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? अच्छा, कंडक्टर्स, सपोर्ट्स, इंसुलेटर्स एंड क्रॉस आर्म। डिजायर्ड प्रॉपर्टीज जो हमें अपने कंडक्टर्स में मेंटेन रखनी होती हैं वो होती हैं उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाई होनी चाहिए, ठीक है। उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, कॉस्ट उसकी कम से कम होनी चाहिए और वो ज़्यादा टाइम तक चले। मतलब ये नहीं कि आपने एक कंडक्टर इंस्टॉल कर दिया कि ट्रांसमिशन लाइन पे तो वो एक हफ्ते बाद या चलो मैक्सिमम एक साल बाद, एक साल तक चला और फिर उसके बाद डैमेज हो गया, ख़राब हो गया। या इसके अलावा आपने अगर कोई टावर इंस्टॉल किया है जो कंडक्टर्स या क्रॉस आर्म इंस्टॉल किए हैं जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा अरसे तक ना चलें। यूजली हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम जब भी डिज़ाइन किया जाता है तो उसका लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 30-40 ईयर या उससे ज़्यादा ही होता है। तो इस बात को ध्यान में रख के हम अपने ट्रांसमिशन सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, कंडक्टर्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक पावर को कैरी करते हैं फ्रॉम सेंडिंग एंड टू रिसीविंग एंड। कंडक्टर्स में हम मैंने बात की थी कि कंडक्टिंग मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास ट्रांसमिशन में। कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, इसके अलावा जो है वो हैं स्टील कोर्ड भी एल्यूमिनियम बनता है और या तो कुछ अलॉय की एडिशन कर देते हैं हम अपने मटेरियल्स में कॉपर या एल्यूमिनियम में उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ या मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। मैम, ये बुक को थोड़ा और ज़ूम कर लीजिए। हाँ, मैं कर लेती हूँ, ठीक है, थोड़ा और बिल्कुल फुल ज़ूम कर लें। हाँ, आप सही। अच्छा, the conductor material used for transmission and distribution of electric power should have the following properties. जो भी हम conductor select करते हैं अपने transmission के लिए उसकी electrical conductivity सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। electrical conductivity यानी वो उसकी उसकी conduction power ज़्यादा होनी चाहिए।
high tensile strength in order to withstand mechanical stresses. Tensile strength क्या होती है कि जितना ज्यादा अगर किसी कंडक्टर के ऊपर प्रेशर पड़ता है या कोई फोर्स एक्ट करती है, हमारा कंडक्टर जब भी ट्रांसमिशन टावर के साथ कनेक्टेड होता है तो उसके ऊपर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली काफी सारी फोर्सेस एक्ट कर रही होती है. जैसे विंड होता है वो विंड हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रहा होता है, और अगर हम कह लें कि बर्फबारी हो रही है तो बर्फ जो होती है वो वायर्स के ऊपर जमनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कंडक्टर्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है. तो अगर उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ या मैकेनिकल स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की एबिलिटी नहीं होगी ना, तो वो टूट जाएंगे जल्दी. इसलिए कोशिश की जाती है कि हमारे पास जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा से ज़्यादा हो. वही बात, हमारा सिस्टम या कंडक्टर्स जो भी सिलेक्ट किए जाते हैं उनकी कॉस्ट लो होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन्स में बहुत ज़्यादा केबल्स की ज़रूरत होती है लॉन्गर स्पैन्स के लिए. जितनी ज़्यादा केबल्स यूज होंगी उतनी ज़्यादा कॉस्ट होगी. अगर कॉस्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होगी तो पूरे जो इनिशियल कॉस्ट होगी सिस्टम की वो ज़्यादा हो जाएगी. इसलिए कोशिश की जाती है कि कंडक्टर ऐसा चूज किया जाए जिसकी कॉस्ट कम हो. तभी अब हमारे पास जो ट्रांसमिशन सिस्टम होते हैं उसमें एल्यूमिनियम को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. हमारे जो नॉर्मल ट्रांसमिशन सिस्टम है जो कंडक्टर उसमें यूज़ किया जाता है वो होता है ACSR, which is aluminium conductor steel reinforced. अच्छा, अगर इन केस हम कॉपर को यूज कर रहे होते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम में, तो जो कॉपर यूज होती है इट इज कॉल्ड हार्ड ड्रॉन. हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर कौन सा होता है जिसको बार बार मशीन से गुजार के सॉफ्ट किया जाता है. इससे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन ये किया इसलिए जाता है ताकि हमारे जो कॉपर कंडक्टर है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए. कॉपर की करंट डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है, जिसकी वजह से कॉपर का जो वेट होता है वो एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम काफी ज्यादा होता है. नेक्स्ट हमारे पास जो कंडक्टर है वो होता है एल्यूमिनियम. अगर इसे कॉपर के साथ कंपेयर किया जाए तो एल्यूमिनियम इज चीपर एज कंपेयर टू कॉपर, और इसका वेट भी कम होता है. अगर एक ही सेम डायमीटर का और सेम वेट का कॉपर कंडक्टर और एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज किया जाए तो उसमें से जो एल्यूमिनियम होगा उसकी एक तो कॉस्ट भी लो होगी, सेकेंडली उसका वेट कम होगा. और ट्रांसमिशन सिस्टम्स में हम ये चीज़ प्रेफर करते हैं कि हमारा जो कंडक्टर है उसका वेट बहुत ज़्यादा ना हो. क्यों ज़्यादा नहीं रखते? क्योंकि उसमें फिर सैग आ जाता है काफ़ी ज़्यादा. सैग इज झोल. ट्रांसमिशन टावर्स के दरमियान जो झोल आ रहा होता है, अगर कंडक्टर बहुत ज़्यादा हेवी होगा या उसका वेट बहुत ज़्यादा होगा तो वो झोल बहुत ज़्यादा होता है, जो प्रेफरेबल नहीं होता ट्रांसमिशन लाइन्स में. हमें उसके उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू में एक स्पेसिफिक सैग रखना होता है. अच्छा, एल्यूमिनियम की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो एज कम्पेयर टू कॉपर कम होती है, लेकिन उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम स्टील पोर्ड एल्यूमिनियम यूज करते हैं. जो ट्रांसमिशन सिस्टम में मैंने जो भी नाम दिया था ACSR कंडक्टर जो मोस्टली यूज किया जाता है इवन पाकिस्तान में भी, स्टील रेनफोर्स्ड, यानी उसके अंदर ये जिस तरह की कोने में डायग्राम बनी हुई है, बीच का जो कंडक्टर होता है वो स्टील का होता है और उसके अराउंड जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड्स होते हैं. ये ACSR कंडक्टर कहलाता है. इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है. यहाँ तक किसी को कोई मसला? मैम, ये आपने फोर्सेस का बताया था ना कि मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो इफेक्ट करती हैं. हाँ, हॉरिजॉन्टल फोर्स होती है, जैसे उसके बारे में थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा. एक सेकेंड. देखिए, हम ऐसे कह सकते हैं ना, वर्टिकल फोर्स में कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और एक होता है वर्टिकल,
वर्टिकल के केस में मैंने जैसा कि बताया हमारे पास बर्फ हो रही है या कोई उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स वगैरह आ जाते हैं वाटर के, उसका वेट नीचे और जो हमारे पास एयर का प्रेशर आ जाता है या विंड स्टॉर्म टाइप जिसे कह सकते हैं वो कंडक्टर को हॉरिजॉन्टली मूव करवा देता है। मींस कि आपके पास इसको एक वर्ड होता है आई थिंक जो मैंने इसका ग्लॉपिंग उसको कहते हैं, वाइब्रेशन वगैरह साइडों की तरफ मूव करना शुरू कर देती है हॉरिजॉन्टली। तो मीन्स की हॉरिजॉन्टल आपके पास विंड का प्रेशर या कोई आपके पास एयर की वजह से कंडक्टर हॉरिजॉन्टल मूव करना शुरू कर देते हैं। अगर आपके पास वर्टिकली जैसा कि फोर्स वो बताई है आपके पास में वर्टिकली वेट नीचे की तरफ आ जाता है तो वो वाली फोर्स को वर्टिकली कह सकते हैं। चलो मैम नेक्स्ट कंटिन्यू करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो कंडक्टर होता है वो गैल्वेनाइज्ड स्टील होता है। गैल्वेनाइज्ड स्टील, गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है हम अपने कंडक्टर के ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है, इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्यों की जाती है, वही चीज मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा फोकस ये होता है कंडक्टर कंडक्टिंग मटेरियल में कि उनकी जो डिजायर्ड प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस की थी उसमें यही था कि हमारे कंडक्टर की जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी और जितनी ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी हमारा कंडक्टर उतना ज्यादा अच्छा होगा। अगर यही प्रॉपर्टीज फुलफिल नहीं कर रहा होगा कंडक्टर तो फिर बढ़ेगा। सेकेंडली गैल्वेनाइज्ड स्टील का जो कंडक्टर है ये लॉन्गर स्पैन के लिए यूज होता है, यानी अगर शॉर्ट डिस्टेंस पे आपने ट्रांसमिशन करनी है तो आप गैल्वेनाइज्ड स्टील यूज करते हैं रादर देन यूजिंग एन ACSR। नेक्स्ट इज कैडमियम कॉपर। अच्छा, कॉपर कैडमियम के साथ कैडमियम के अलॉय के साथ मिक्स करके एक कंडक्टर बनाया जाता है, ठीक है, इसे कैडमियम कॉपर कहते हैं। एन एडिशन ऑफ 1 or 2% ऑफ कैडमियम टू कॉपर इंक्रीजेस द टेंसाइल स्ट्रेंथ। वही बात आ गई, हम कंडक्टिंग मटेरियल में कोई और मटेरियल ऐड करते हैं तो उसका मेन रीजन यही होता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाना, जिससे उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ रही होती है। कैडमियम कॉपर को एक्सेप्शनली लॉन्ग स्पैन्स के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन क्योंकि कैडमियम कॉपर के अंदर जो मिक्सिंग हो रही होती है कैडमियम की उसकी वजह से उसकी कॉस्ट हाई हो जाती है तो इसलिए प्रेफर नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट होता है ट्रांसमिशन लाइन में वो होता है लाइन सपोर्ट्स। कंडक्टर्स को हम पोल्स के साथ या टावर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड लाइन सपोर्ट्स। उसके बगैर लाइन सपोर्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो होनी चाहिए। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू विदस्टैंड द वेट ऑफ कंडक्टर, उसके अंदर जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी टेंसाइल स्ट्रेंथ या फोर्सेस को बर्दाश्त करने की कंडक्टर्स के या विंड लोड्स के वो उतने ज्यादा अच्छे होंगे। सेकेंडली लाइन सपोर्ट्स प्रेफर किया जाता है कि वो लाइटर इन वेट हों ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने में या ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो, क्योंकि ट्रांसमिशन यूजुअली काफ़ी दूर एरियाज में ट्रांसमिशन सिस्टम डिज़ाइन किए जाते हैं तो जितना भी सामान होता है जो भी चीज़ें होती हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हमारे सिस्टम की कॉस्ट में ऐड हो रही होती है, और यही बात कि हमें अपने सिस्टम को कॉस्ट इफेक्टिव बनाना होता है। हमारे लाइन्स को सपोर्ट्स की लाइफ जो होनी चाहिए लॉन्गर होनी चाहिए, और ये इस तरह की इनकी डिज़ाइनिंग होनी चाहिए कि इनकी ईजीली मेंटेनेंस की जाए इन केस अगर कोई मसला आ जाता है, कुछ खराबी हो जाती है इस सूरत में। ट्रांसमिशन सिस्टम्स में लाइन सपोर्ट्स कौन कौन से होते हैं, वुडन पोल्स होते हैं, स्टील पोल्स, आरसीसी पोल्स। आरसीसी का फुल फॉर्म होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट, और स्टील टावर्स।
अच्छा, वुडन पोल्स जो होते हैं वो नॉर्मली यूज किए जाते हैं रूरल एरियाज में या नॉर्दर्न एरियाज में. नॉर्दर्न एरियाज में जब भी या रूरल एरियाज वगैरह वहाँ पर ट्रांसमिशन सिस्टम लगाना होता है तो वहाँ पर वुडन पोल्स को प्रेफर किया जाता है. इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि इनकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है. अच्छा, इट इज़ यूज फॉर शॉर्टर स्पैन्स फॉर अप टू 50 meters. जब हमें ट्रांसमिशन करनी होती है शॉर्टर स्पैन्स के लिए या कम डिस्टेंसेस के लिए, वैल्यू है इसकी 50 meters, तो तब हम वुडन पोल्स को प्रेफर करते हैं. मैकेनिकल स्ट्रेंथ से क्या मुराद है, मतलब क्या आपने कहा इसमें मैकेनिकल, मतलब कि वो जो कंडक्टर को बेयर करने की मैकेनिकल स्ट्रेंथ आप कह रही हैं? कंडक्टर को बेयर करने की, कंडक्टर का भी तो वेट आ रहा होता है ना, इसलिए कंडक्टर्स के साथ कनेक्ट होते हैं. हमारा जो वुडन पोल होता है सपोर्ट होता है बेसिकली, उसके ऊपर हमारे कंडक्टर्स कनेक्ट होते हैं और इंसुलेटर्स कनेक्ट होते हैं. अगर उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ या फोर्सेस को बर्दाश्त करने की एबिलिटी नहीं होगी तो वो उन सब चीजों के वेट कैसे बर्दाश्त करेगा. ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, उसके अंदर अगर हमारे पोल्स या सपोर्ट्स के अंदर वो टेंडेंसी नहीं होगी तो इसलिए कोशिश की जाती है कि हमारा जो पोल्स या सपोर्ट्स होते हैं उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा हो. अच्छा, इसके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ए और एच टाइप स्ट्रक्चर्स, जिस तरह ये बुक में डायग्राम में गिवन है. I hope you clear. अच्छा, इसकी एक टेंडेंसी ये होती है वुडन पोल्स की कि ग्राउंड लेवल से नीचे जब इसको व्हाट यू कॉल इट एज फिक्स किया जाता है तो वुड जो होती है वो खराब होनी शुरू हो जाती है. ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं कि एक प्रिजर्वेटिव कंपाउंड यूज होता है विच इज कॉल्ड केरोसोट ऑयल. ठीक है, उसको खराब होने से बचाने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है. दीज कैन नॉट बी यूज फॉर वोल्टेज लेवल्स ग्रेटर देन 20 kV. जब हमें 20 kV, मोस्टली 11 kV तक हमारे वोल्टेजेस होते हैं तो उसकी ट्रांसमिशन के लिए वुडन पोल्स को प्रेफर किया जाता है, लेकिन फिर ये इनका इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता. सेकंड वी हैव इज स्टील पोल्स. स्टील पोल्स यूजुअली हमें खुद भी बाहर डिस्ट्रीब्यूशन में नजर आ रहे होते हैं, जो हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गलियों में होते हैं या थोड़ा दूर जाके देखते हैं बिल्डिंग्स के साथ या घरों के साथ, वो स्टील पोल्स होते हैं. स्टील पोल्स कह लें या सपोर्ट्स कह लें, कंडक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए. अच्छा, दीज आर बेसिकली इट्स अ सब्स्टिट्यूट फॉर वुडन पोल्स, क्योंकि वुडन पोल्स की हमने बात की थी कि उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो हो रही है वो कम होती है, और वही बात आती है कि हमें ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ वाले सपोर्ट्स की ज़रूरत होती है, तो इसलिए स्टील पोल्स मोस्टली यूज किए जाते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज होता है. अच्छा, इन पोल्स की गैल्वनाइजेशन की जाती है ताकि इनकी लाइफ को बढ़ाया जा सके. और कोरोजन से भी इसको बचाया जा सके. कोरोजन होगा, स्टील पोल में खराबी आनी शुरू हो जाएगी और हमें उसको जल्द से जल्द बदलना पड़ जाएगा, तो इसलिए कोशिश की जाती है कि इनका स्ट्रक्चर इतना अच्छा हो या रिलायबल हो कि ज़्यादा लॉन्गर स्पैन के लिए यूज़ किया जा सके. नेक्स्ट इज RCC पोल्स, रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट पोल्स. अच्छा, इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू स्टील पोल्स बहुत ज़्यादा होती है और ये लॉन्गर स्पैन्स के लिए यूज किए जाते हैं. इसके अंदर जो सबसे बड़ा मसला आता है ना वो ये होता है कि इसकी कॉस्टली ट्रांसपोर्टेशन. यही बात की थी मैंने शुरू में, सिस्टम की डिजाइनिंग में कोशिश की जाती है कि हमारा सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो, उसके अंदर कम कॉस्ट यूज़ की जाए. अगर हम RCC पोल्स लगाएंगे ट्रांसमिशन के लिए तो वही बात, हमारे सिस्टम की कॉस्ट बढ़ जाएगी. सेकेंडली, ये इतने
तो मोस्टली हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसके अंदर जो कंडक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो होते हैं स्टील टावर्स, जो सबने नॉर्मली देखे भी होंगे आई गेस। मैम ये पीछे वाला रिपीट कर दें, शायद आपकी आवाज स्टॉप हो गई थी। अच्छा आरसीसी पोल्स की बात कर रहे हैं? जी जी आरसीसी पोल्स। ठीक है, आरसीसी पोल्स आर रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पोल्स। ठीक है, इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू स्टील पोल्स ज्यादा होती है। इट इज यूज फॉर लॉन्गर लाइफ एंड फॉर लॉन्गर स्पैन एज वेल। अच्छा सेकेंडली आरसीसी पोल्स की जो उसका जो वेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए इसको ट्रांसपोर्टेशन इसकी ट्रांसपोर्टेशन में काफी मसला आता है, तो इसलिए आरसीसी पोल्स को मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में यूज नहीं किया जाता इसके वेट की वजह से। नेक्स्ट स्टील टावर्स जो मोस्टली हम ट्रांसमिशन हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में इंस्टॉल्ड होते हैं कंडक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए। In practice, wooden, steel, and reinforced concrete poles are used for distribution purposes at low voltages up to 11 kV. इससे पहले हमने जितने भी poles use discuss किए थे कि ज़्यादातर distribution levels के लिए ही use किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो distribution के लिए support होते हैं वो steel होता है, steel poles होता है। Steel towers basically high level वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। लाइफ इसके अंदर इतनी टेंडेंसी या कैपेबिलिटी कह लें कि वो क्लाइमेट चेंज इन वेदर या एटमॉस्फेरिक कंडक्शन कंडीशंस अगर चेंज होती हैं, जैसे कि बर्फबारी हो गई, बारिश हो गई, धुंध चलती है या आंधी आती है, तो इसके अंदर इतनी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसको विदस्टैंड कर सके। अच्छा स्टील टावर्स भी दो तरह के होते हैं जो ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज होता है। एक होते हैं टेंजेंट टावर्स और दूसरे होते हैं डेविएशन टावर्स। टेंजेंट टावर्स तब यूज किए जाते हैं जब हमने स्ट्रेट यूं कह ले डिस्टेंसेस पे या सीधे सीधे रास्ते पे ट्रांसमिशन करनी होती है, या हमारी ट्रांसमिशन लाइंस जो होती हैं वो डायरेक्टली सीधे रास्ते पर चल रही होती हैं। ये बात समझ आई है? जी जी मैम ठीक है, मतलब कि झिकझिक रास्ते ना हो, मतलब कि स्मूथ एरिया हो, मतलब पहाड़ वगैरह ऐसी चीजें ना हो। स्मूथ एरिया तो खैर नहीं कह सकते क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज या पहाड़ों पर ट्रांसमिशन तो हमारे नॉर्मल इलाकों से बहुत ज्यादा दूर होती है, तो स्मूथ एरिया तो बहुत डिफिकल्ट होता है देखना। लेकिन शायद आप विद इन सिटी की बात कर रही हैं। नहीं, विद इन द सिटी भी कह सकते हैं, लेकिन टेंजेंट टावर्स तब यूज होते हैं जब सीधे रास्ते पर ही आपने स्ट्रेट जाना हो, जैसे स्टेट आपकी ट्रांसमिशन हो रही हो उसमें कोई मतलब जैसे होता है ना रास्ता तब्दील होगा तो डेफिनेटली आपका ट्रांसमिशन टावर का भी रास्ता तब्दील होगा, तो उसके लिए डेविएशन टावर यूज होते हैं। टेंजेंट टावर को यूज नहीं किया जाता क्योंकि उसके अंदर इतनी ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेस या टर्न्स को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं होती, तो डेविएशन टावर्स चेंजेस इन डायरेक्शन, जब भी डायरेक्शन में चेंज आता है या जैसे कि कोई कैसे कहेंगे, आई एम सॉरी मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा मैम, मतलब इसी तरह कह रही है ना कि मतलब यहाँ पे टर्न लेना होगा हमने या हाँ टर्न लेना होगा तो उसके लिए डेविएशन टावर्स के थ्रू कंडक्टर्स को सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। तो मतलब क्या हमें स्टील का मतलब जहाँ पे हमें स्ट्रेट होगा वहाँ हम टेंजेंट यूज करेंगे, जहाँ पे हमें टर्न वगैरह लेना होगा फिर वहाँ पे हम डेविएशन टावर्स यूज किए जाएंगे। जी ठीक है, टेंजेंट टावर्स के ऊपर जो इंसुलेटर्स होते हैं वो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स होते हैं और वो वर्टिकली इंस्टॉल किए जाते हैं, जबकि डेविएशन टावर पे जो इंसुलेटर्स होते हैं वो हेलो
मैम आप कंटिन्यू करें, उनकी आवाज ड्रॉप हो रही है, फिर वो बीच में बोल लेंगे। अच्छा ठीक है। टेंजेंट टावर में जो इंसुलेटर्स होते हैं वो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स होते हैं, और इंसुलेटर्स जो होते जी हैं टाइप में वो वर्टिकली इंस्टॉल्ड होते हैं, जबकि डेविएशन टावर में जो इंसुलेटर्स होते हैं दे आर कॉल्ड स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर्स। अभी हम फर्दर इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो उसका वर्ड मेरे ख्याल में डेड रहना है, इनको हमने ना कि मैं पाथ अवॉइड करना हो उस केस में ठीक है। मैं आपकी आवाज ड्रॉप हो गई पहले वाली, आपने जो कहे वो कुछ समझ में नहीं है, तो आप काइंडली रिपीट करें। मोसर भाई ये कह रहे हैं कि ये डेड एंड पेज होते हैं जो होते हैं ना डेविएशन टावर, या ये स्ट्रेन टाइप जो इंसुलेटर होते हैं ये डेड एंड, जहाँ पे आपको टर्न लेना होता है वहां पे यूज होते हैं, ये कह रहे हैं वो। ठीक है अच्छा। अच्छा डेविएशन टावर्स पे जो इंसुलेटर होता है उनकी इंस्टॉलेशन जो होती है वो हॉरिजॉन्टली होती है, जबकि टेंजेंट टावर में जो इंसुलेटर होते हैं उनकी वर्टिकल इंस्टॉलेशन होती है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ इंसुलेटर्स। हमारे पास जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलेटर्स प्रेजेंट हैं वो है एक तो पिन टाइप इंसुलेटर, नेक्स्ट इज सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर्स और शैकल इंसुलेटर्स। पिन टाइप इंसुलेटर्स देख लेते हैं क्या होता है, एक सेकंड। मैम पहले थोड़ा इंसुलेटर को एक्सप्लेन करके फिर आप कर रही हूं ठीक। इंसुलेटर्स को यूज क्यों किया जाता है, कंडक्टर्स और हमारे जो सपोर्ट्स होते हैं ये स्टील टावर्स होते हैं उनका आपस में मतलब कोई कनेक्शन ना हो सके, मतलब इलेक्ट्रिकल करंट जो है कंडक्टर से स्टील टावर का कोई पाथ यूज करके ग्राउंड की तरफ ट्रैवल ना करना शुरू कर दे, उसके लिए हम इंसुलेटर्स यूज करते हैं, यानी कंडक्टर्स और स्टील टावर को एक दूसरे से अलहदा करने के लिए बीच में इंसुलेटर्स कनेक्ट किए जाते हैं। द ओवरहेड लाइन कंडक्टर शुड बी सपोर्टेड ऑन द पोल्स और टावर्स इन सच अ वे दैट करंट फ्रॉम कंडक्टर्स नॉट फ्लो टू अर्थ थ्रू सपोर्ट्स, दैट इज लाइन कंडक्टर्स मस्ट बी प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड फ्रॉम सपोर्ट्स। This is achieved by securing line conductors to supports with the help of insulators. वही चीज conductor और towers का आपस में कोई electrical connection ना बन सके उसको prevent करने के लिए insulators use किए जाते हैं। Insulators के बगैर आपका conductor directly जब tower के साथ connect होगा तो current जो होगा वो tower के से pass होना शुरू हो जाएगा। कंडक्टर की कुछ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर वन, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू विदस्टैंड कंडक्टर लोड। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो कंडक्टर जो होता है वो डायरेक्टली इंसुलेटर के साथ कनेक्ट होता है। अगर इंसुलेटर के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि वो कंडक्टर के वेट को बर्दाश्त कर सके तो वो टूट जाएगा या जल्दी डैमेज हो जाएगा, या इसके अलावा अगर विंड का लोड बहुत ज्यादा हो जाता है तो इंसुलेटर्स डैमेज हो जाएंगे, फिर वही बात आ जाएगी कि कंडक्टर और टावर का आपस में कांटेक्ट हो जाएगा, विच वी नीड टू प्रिवेंट। नेक्स्ट इज हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर मटेरियल इन ऑर्डर टू अवॉइड लीकेज करंट टू अर्थ। इनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होती है इंसुलेटर्स की ताकि इनके थ्रू करंट पास ना कर सके इंसुलेटर्स पे, क्योंकि जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है करंट उतना ही लो होता है। मैम जी ये इनकी रेंज बता दे, वोल्टेज रेंज, अक्सर वो पेपर में आती है कि प्रिंट टाइप की कितनी वोल्टेज रेंज के लिए यूज। आगे मैं बताती हूँ जब हम टाइप्स डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं बता देती हूँ। अच्छा इंसुलेटर मटेरियल्स
should be non-porous, यानी उसके अंदर कोई भी किसी किस्म की impurities मौजूद नहीं होनी चाहिए या cracks नहीं होने चाहिए, जिसकी वजह से उसकी permeability जो होती है, permeability level क्या होता है बताती हूँ, एक second. High permeability level यूं समझ लें कि उस insulator का को के अंदर हाई परमिटिविटी लेवल अचीव किया जाता है ताकि अंदर उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ना हो सके. किसी भी सब्सटेंस का परमिटिविटी लेवल अगर लो होगा तो वही बात, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी. तो इंसुलेटर का असल मकसद ही यही होता है, इंसुलेट करना सिस्टम को ताकि उसमें से कोई करंट या किसी किस्म का कोई पाथ प्रोवाइड ना हो इलेक्ट्रिसिटी को. नेक्स्ट इसका जो है वो है हाई रेशियो ऑफ पंचर स्ट्रेंथ टू फ्लैश ओवर. मैं पंचर स्ट्रेंथ बता देती हूँ क्या होता है. पंचर स्ट्रेंथ यूं समझ लें, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है पंचर और दूसरा होता है फ्लैश ओवर. पंचर क्या होता है कि आपके इंसुलेटर्स में किसी भी वजह से कोई सर्ज आया या स्विचिंग जब स्विचिंग हो रही होती है एक इलेक्ट्रिक आर्क आ जाता है, ठीक है, और वो जो आर्क होता है वो इंसुलेटर की बॉडी से पास होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये टर्म यूज की जाती है कि आपका इंसुलेटर पंचर हो जाता है या कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है. एक और टर्म होती है वो होती है फ्लैश ओवर. फ्लैश ओवर क्या होता है, इनिशियल आयनाइजेशन, यानी जब यूं समझ लें जब दो वायर्स को या दो शॉर्ट सर्किट होता है तो एक आर्क अचानक से प्रोड्यूस होता है ना, सडन आर्क जो फॉरन से खत्म हो जाता है, That is called flash over. इसका भी एक specific एक voltage level होता है, जिसको flash over voltage कहते हैं. इसी तरह puncture at the voltage at which puncture occurs या breakdown of an insulator occurs, वो voltage कहलाता है puncture voltage. Insulators में puncture और flash over को कम से कम आए insulators में, उसका एक safety factor होता है. ये आगे यहाँ डिस्कस किया हुआ है सेफ्टी फैक्टर ऑफ इंसुलेटर, जो पंचर स्ट्रेंथ और फ्लैश ओवर वोल्टेज का रेशियो होता है. इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है विच इज 10. ये मोस्टली इंसुलेटर जब भी सिलेक्ट किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं, उस वक्त इसके सेफ्टी फैक्टर को देखा जाता है कि इसका अगर सेफ्टी फैक्टर 10 है, इसके अलाउड है, तो उसके अंदर पंचर या फ्लैश ओवर की टेंडेंसी कम से कम होगी. क्योंकि फ्लैश ओवर से तो फिर भी हमारा इंसुलेटर इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता जितना पंचर या ब्रेकडाउन अगर आपके इंसुलेटर पर आ जाए तो उससे हमारा इंसुलेटर कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ इंसुलेटर्स. अच्छा, मोस्टली मोस्ट कॉमन जो इंसुलेटर्स हैं वो पिन टाइप इंसुलेटर्स यूज हो रहे होते हैं. अच्छा, दीज इंसुलेटर्स आर सपोर्टेड ऑन स्टील पिन, सपोर्ट है उसके ऊपर क्रॉस आर्म अटैच होते हैं. क्रॉस आर्म के ऊपर एक स्टील पिन होती है जिसके ऊपर ये इंसुलेटर्स अटैच किए जाते हैं या कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, और इन इंसुलेटर्स के ऊपर कंडक्टर को टाई किया जाता है इन अ स्ट्रेट लाइन पोजिशन, ठीक है. ये जो इंसुलेटर्स होते हैं ये मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पोल्स में ज्यादा यूज होता है.
जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जिसके ऊपर इंसुलेटर्स लगे हुए होते हैं वो मोस्टली पेंटाव इंसुलेटर्स होते हैं. इट कैन नॉट बी यूज फॉर वोल्टेजेस अबव 33 kV. क्यों? क्योंकि इनका वेट और कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर हम इसको 66 kV के ऊपर अप्लाई कर यूज़ करना शुरू कर देंगे. तो जो आप वोल्टेज लेवल की बात कर रहे थे, पेंटाव इंसुलेटर्स मोस्टली 60-11 kV के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम रेंज है जिस पे पेंटाव इंसुलेटर्स अप्लाई हो रहे होते हैं या यूज हो रहे होते हैं वो है 33 kV. इससे अबव हमारा अगर वोल्टेज लेवल जा रहा होता है तो उसके लिए वी हैव सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स जो मोस्टली हाई लेवल ट्रांसमिशन सिस्टम्स में जो इंसुलेटर्स लगे हुए होते हैं वो होते हैं सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स. अच्छा, स्टील टावर्स की जो मैंने दो टाइप्स डिस्कस की थी, एक टेंजेंट और डेविएशन. टेंजेंट पे जो इंसुलेटर्स लगाए जाते हैं वो सस्पेंशन टाइप होते हैं और डेविएशन टावर्स जो होते हैं उस पे जो इंसुलेटर्स यूज होते हैं वो स्ट्रेन इंसुलेटर्स होते हैं. इन दोनों में कोई खास ज्यादा फर्क नहीं है. ये दोनों 33 kV से अबव वोल्टेज लेवल्स के लिए यूज होते हैं. बड़ा फर्क इनमें जो है वो है कि टेंजेंट टावर्स में हमें इंसुलेटर्स को जो होता है वो वर्टिकली रखना होता है और वर्टिकल इंस्टॉलेशन के लिए सस्पेंशन टाइप यूज हो रही होती है. इसी तरह डेविएशन के लिए हमें जो इंसुलेटर्स की जरूरत होती है वो हॉरिजॉन्टली उनको इंस्टॉल करने की जरूरत होती है, तो इसलिए स्ट्रेन इंसुलेटर्स यूज करते हैं. अच्छा, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स में क्या होता है, इसके अंदर सेपरेट इंसुलेटर डिस्क होती है और हर डिस्क का एक अपना स्पेसिफिक वोल्टेज लेवल होता है. मोस्टली एक डिस्क का वोल्टेज लेवल 11 kV होता है. तो अगर हमारी ट्रांसमिशन सपोज 132 kV पे हो रही है तो हम 12 डिस्क का एक स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर बनाएंगे. इस तरह मैं आपको दिखाती हूँ. ये जो सस्पेंशन ये वाले जो इंसुलेटर है ये एक डिस्क जो होती है इसका वोल्टेज लेवल 11 होता है. यानी आप 4 डिस्क यूज किए तो इसका वोल्टेज लेवल अराउंड 44 kV तक होगा. अगर आपको 33 kV के लिए यूज करना है तो आप 3 डिस्क लगाएंगे. इससे अबव वोल्टेज लेवल के लिए यूज करना है जैसे कि 132 तो यूजली 12 डिस्क ऑफ इंसुलेटर यूज हो रही होती है. मैं थोड़ा सा इसमें ऐड अप करता रहूंगा मैम, ये कि ये जो आपके पास सस्पेंशन होती है ना ये डिस्क टाइप इंसुलेटर्स होते हैं. जैसा कि मैम ने बिल्कुल कहा बुक्स के स्टैट्स के लिहाज से ना 11 kV के लिए एक डिस्क को हम कह देते हैं कि ये डिजाइनर. जैसा कि मैम ने कहा 132 के लिए ये 12 होती है. तो कुछ बुक्स के अंदर है ना इसकी वेरिएशन वाली चीजें होती है, मीन्स की वो कह देता है कि अगर आपके पास 132 kV की लाइन है उसके अंदर नंबर ऑफ डिस्क कितनी होंगी. वहाँ 8 भी लिखा हो सकता है, 12 भी लिखा हो सकता है. अगर हम मोस्ट प्रोबेबली उसको फॉलो करें 11 के लिहाज से तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं अगर ऑप्शन हो. अगर वहां ना हो तो हम इसके लिए ना एक इसकी कैलकुलेशन मेरे ख्याल में करनी पड़ती है. ये वावड़ा वाले वितर जानते हैं, तो मैंने कई जगहों पे ऐसा भी देखा है 7 या 8 डिस्क लगी होती है 132 kV के ऊपर. ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि उनका जो डिजाइनिंग होता है वो 11 kV से ज्यादा के लिए डिजाइन कर लिया जाता होगा ना जिसका. तो ये इस लिहाज से भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा अगर इस तरीके से आया ना मल्टीपल चॉइस 132 के लिए कितनी है. तो अगर 12 ऑप्शन ना हो तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि वहां मसला हमें पड़ा 11 kV के लिहाज से. ठीक है, मुझे 2 मिनट दें. अच्छा, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स में जो डिस्क होती है वो सीरीज में लगी हुई होती है. तो इसमें इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर कोई एक डिस्क खराब होती है तो उसको इजीली रिप्लेस कर किया जा सकता है डिस्क से, जबकि दूसरे इंसुलेटर्स में ये एडवांटेज नहीं होता. आपका इंसुलेटर पे कोई भी फॉल्ट आया है या कोई क्रैक है, कोई मसला है या वो ठीक से काम नहीं कर रहा,
तो आपको पूरा का पूरा इंसुलेटर चेंज करना पड़ेगा. जबकि सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स में आप डायरेक्टली उस स्पेसिफिक फॉल्टी डिस्क को निकालें और उसको रिप्लेस कर दें दूसरी डिस्क से. ठीक है, वही बात. एक मिनट पहले बता देते हैं. स्ट्रेन इंसुलेटर की वही बात आ गई. व्हेन देयर इज डेड एंड ऑफ द लाइन, यानी आपका ट्रांसमिशन टावर या आपने लाइन को का रास्ता मोड़ना है यूं समझ लें, तो आप डेविएशन टावर्स यूज करेंगे. और डेविएशन टावर्स के ऊपर जो इंसुलेटर्स इंस्टॉल्ड होते हैं वो हॉरिजॉन्टली इंस्टॉल्ड होते हैं और उसमें स्ट्रेन इंसुलेटर्स होते हैं. चेन इंसुलेटर्स दिखने में इस टाइप के होते हैं. अच्छा, चेन इंसुलेटर्स और सस्पेंशन इंसुलेटर्स में कोई खास एक जैसे ही होते हैं ऑलमोस्ट. उसमें भी डिस्क होती है, इसमें भी डिस्क होती है, फर्क इनकी इंस्टॉलेशन का ही है. जी बस. और इसकी जो हमारे पास देखे ना, जब हमने कर्व वगैरह या कोई आपका रास्ता डाइवर्ट करना ट्रांसमिशन लाइन का, उस टावर के ऊपर जो कंडक्टर जा रहा होगा ना, उससे जब कर्व लेंगे उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस होगी ना, क्योंकि उसको एकदम हमने करना होता है. तो ये ज्यादा कैपेबिलिटी के लिए इसको स्ट्रेन बना दी जाती है, ताकि वो कम्प्लीटली जो स्ट्रेन होती है वो कम्प्लीट जो स्ट्रेस हो रहा होता है ना, इसकी वजह से सारा लोड उस टावर के ऊपर ज्यादा जा रहा था कर्व की वजह से, वो ये बियर कर सके कंडक्टर्स को. ठीक है. और इसके लिए ये भी मैंने पढ़ा था कि इसके लिए हम ना स्ट्रेन के लिए जरूरी नहीं है डिस्क भी यूज करें. डिस्क के अलावा शैकल भी इसके लिहाज से है ना स्ट्रेन बना सकते हैं. स्ट्रेन से मुराद ये है कि आपने सीरीज के अंदर इंसुलेटर की डिस्क ऐड कर दिया, वो डिस्क भी हो सकती है. वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन के केस में शैकल वाले जो इंसुलेटर होते हैं जो आप आगे एक्सप्लेन करेंगे वो वाले भी हो सकते हैं. मींस के वो 2-3 का ऐसे स्ट्रिंग बना के उसको ऐसे तरीके से ना पास करवा दिया जाएगा कंडक्टर. लेकिन शैकल टाइप इंसुलेटर तो वोल्ट लो वोल्टेज के लिए यूज होता है. ये डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ना शैकल वाली स्ट्रिंग लग जाती है, स्ट्रेन बना लेते हैं कई जगहों पे. इसका भी है ना, दोनों में ऐड अप लिखा हुआ है. ठीक है, शैकल इंसुलेटर जो होते हैं दे आर मोस्टली यूज्ड फॉर लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस. वोल्टेज लेवल 11 केवी या इससे कम ये इंसुलेटर्स नॉर्मली इंस्टॉल्ड होते हैं, वो शैकल इंसुलेटर्स होते हैं. इनको आपकी मर्जी है वर्टिकली इंस्टॉल करें या हॉरिजॉन्टली इंस्टॉल करें. मैं पिक्चर्स इनकी ग्रुप पे शेयर कर लूँगी लेक्चर ख़त्म होने के बाद कि ये असल में दिखने में कैसे होते हैं, ताकि क्लियर हो जाए कि प्रैक्टिकली ये दिख कैसे रहे होते हैं. पिक्चर बनी हुई है आपकी पीडीएफ फाइल में. जी ये मैम जो आपने पीडीएफ में दिखाया था ना, वो जो स्ट्रेन वाला पेज, उसी के अंदर जो पोल के साथ वो कनेक्ट किया हुआ है ना, वो शैकल इंसुलेटर ही लगा हुआ है. हाँ है तो, लेकिन चले नेक्स्ट मूव करें. ठीक है, शैकल इसमें नहीं है, ये वाला जो है ना, ये पोल के साथ जो अटैच किया हुआ है, ये ऊपर वाला. अच्छा सॉरी, सही, ये शैकल इंसुलेटर है. ठीक है. इंसुलेटर्स में और कुछ नहीं बता. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सस्पेंशन इंसुलेटर. मोस्टली सोचा जाता है कि जो हमारी सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होती है, हम कहते हैं कि उसकी एक डिस्क में अगर 11 केवी वोल्टेज है तो दूसरी डिस्क भी 11 केवी की होगी, उसकी भी 11 केवी की होगी, और वो एड अप हो गए तो टोटल हमारा फेज वोल्टेज होगा वो बना रहे होंगे. लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता.
क्यों? क्योंकि जो हमारा मटेरियल होता है इंसुलेटर का, उसकी वजह से कैपेसिटेंस एक्ट कर रही होती है. अच्छा पहले एक चीज बता दूं, ये जो तीन इंसुलेटर्स हैं, ठीक है, ये जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो ये कहलाता है स्ट्रिंग ऑफ एन इंसुलेटर. तो इनके दरमियान कैपेसिटेंस आ रही होती है, ठीक है. जो जो नेक्स्ट डायग्राम है, दो इंसुलेटर के बीच में जो कैपेसिटेंस होती है वो सेल्फ कैपेसिटेंस या म्यूचुअल कैपेसिटेंस कहलाती है, और हर इंसुलेटर की सेम ही वैल्यू होती है. इसके अलावा जो कैपेसिटेंस टावर और इंसुलेटर के दरमियान होती है वो कहलाती है शंट कैपेसिटेंस, जिसको C1 से डिनोट किया गया है डायग्राम में. जिस इन कैपेसिटेंस की वजह से चार्जिंग करंट जो पास कर रहा होता है हमारे इंसुलेटर्स में से, अगर पास कर जाए कभी, उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है. इस वजह से जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होती है इंसुलेटर्स पे वो यूनिफॉर्म नहीं होती. अच्छा एक चीज और, द वोल्टेज इम्प्रेस्ड ऑन स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर्स डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ यूनिफॉर्मली अक्रॉस द इंडिविजुअल डिस्क ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ शंट कैपेसिटेंस. वही बात, कैपेसिटेंस की वजह से जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता. सेकेंडली, जो इंसुलेटर कंडक्टर के सबसे ज्यादा करीब होता है उसका वोल्टेज सबसे हाई होता है. जो जो उससे दूर जाते रहते हैं वोल्टेज लेवल इसी तरह डिक्रीज होता रहता है. जैसे कि ये पहली वाली डायग्राम है, अगर ये आपका कंडक्टर है तो इसके साथ जो इंसुलेटर आ रहा है इसका वोल्टेज लेवल ज़्यादा होगा. अब फर्ज करें जैसे कि फेज वोल्टेज हमारा है 132 ट्रांसमिशन का जो नॉर्मल होता है, ठीक है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होगी 12 डिस्क में, ठीक है. कंडक्टर के करीब जो इंसुलेटर है उसके अंदर लेट्स सपोज 15 आ रहा है वोल्टेज, फिर उस हिसाब से जिसके पीछे वाला है उसकी वैल्यू उससे कम होगी, जो उससे पीछे वाला कनेक्टेड होगा उसकी वैल्यू उससे कम होगी. कंडक्टर से जितना दूर जाते जाएंगे वोल्टेज लेवल उतना ही कम होता जाएगा, लेकिन जो टोटल इसका जो सम आ रहा होता है करके वो हमारे फेज वोल्टेज के बराबर ही होता है. स्ट्रिंग एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट ये है कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज बेसिकली द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस आइडियल कंडीशन में कंसिडर किया जाता है. आइडियल कंडीशन में ये सोचा जाता है कि अगर 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी होगी इसका मतलब ये होगा कि वोल्टेज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है हमारे इंसुलेटर्स में, जो कि नहीं होता. प्रैक्टिकली जो हमारी वैल्यू की रेंज होती है वो 85 या इससे थोड़ी सी ऊपर होती है, 88 या मैक्सिमम 90 तक. स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला देख लें, स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय n. n क्या है? नंबर ऑफ डिस्क जो आपके इंसुलेटर्स में कनेक्टेड होंगी, मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर. यानी ये यहाँ पर वो वोल्टेज आएगा जो कंडक्टर के साथ वाली हमारे पास डिस्क है इसके ऊपर जो वोल्टेज आ रहा होगा वो ये वाला वोल्टेज होगा, वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर. अच्छा कोशिश ये होती है कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि ये तो डिजायरेबल कंडीशन नहीं है कि हमारा जो वोल्टेज है वो अनयूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. मतलब एक इंसुलेटर पे कुछ और वोल्टेज है, दूसरे इंसुलेटर पे कुछ और वोल्टेज है. कोशिश ये होती है कि इसको बेहतर बनाया जाए. आई डोंट थिंक ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिस्कस करने की जरूरत है. अच्छा एक चीज और,
एक फॉर्मूला होता है करंट थ्रू द कैपेसिटर इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन कैपेसिटिव रिएक्टेंस. मैं इसको फिर आगे बता दूं. स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? मैम स्ट्रिंग एफिशिएंसी के बारे में थोड़ा सा काइंडली रिपीट कर दीजिएगा, या मोहसिन भाई इसमें कुछ ऐड अप कर दें, कुछ समझ में नहीं आया. अच्छा मैम अच्छे है कि हमारे पास है ना, जैसा कि मैम ने बताया ना कि आपके पास 8 डिस्क लगी हुई है ना सपोज करें स्ट्रिंग्स की फॉर्म में, हमारे पास 132 की लाइन है या जो भी 500 की जैसे भी है ना लाइन, उसका जो वोल्टेज है ना, जैसा कि हमने कहा कि हर डिस्क 11 केवी के लिए डिजाइन की गई है सपोज कर लें. अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हमने 132 के लिए 12 डिस्क लगाई है ना, हर इंसुलेटर की स्ट्रिंग के ऊपर 11 केवी ही आए. ठीक है, ये ना हो कि आपके पास एक 15 ले रही हो, एक 32 ले रही हो, एक 11 ले रही हो, एक 9 ले रही हो, मीन्स की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उनके ऊपर ना हो. इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर आपके पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज आएगी तो हमारा या वहां से फ्लैश ओवर हो सकता है, या हमारा पंचर हो सकता है डिस्क, या हमारा लॉसेस की फॉर्म में उसका वोल्टेज होगा ड्रॉप हो रहा होगा. ठीक है, इसको हम ये कह सकते हैं चार्जिंग करंट की वजह से. तो मीन्स की हमारे पास ये कि इस पूरी स्ट्रिंग के अक्रॉस वोल्टेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए, उनकी डिजाइनिंग के लिहाज से ही होनी चाहिए. इसके लिए कुछ मेथड जो है वो मैम बता देंगे. ठीक है, मीन्स की नेक्स्ट आ जाएंगे. हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी ये होती है आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ईच स्ट्रिंग होना चाहिए वोल्टेज. ठीक है, मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या क्या मेथड होते हैं? बाय यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म्स. मैं भी क्रॉस आर्म्स आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या होते हैं. एक सेकेंड, डायग्राम है इसमें देख लेता हूँ. अच्छा, ये एक ट्रांसमिशन टावर है, इसके ऊपर ये जो चीज नजर आ रही है ना, ये होते हैं क्रॉस आर्म्स. ठीक है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं इंसुलेटर्स को. टावर में यूं होता है, टावर के ऊपर क्रॉस आर्म्स कनेक्टेड होते हैं, क्रॉस आर्म्स के साथ हमारे इंसुलेटर्स कनेक्टेड होते हैं, और इंसुलेटर्स के ऊपर कंडक्टर्स कनेक्ट होते हैं. अच्छा, लॉन्गर क्रॉस आर्म्स, अगर आपके क्रॉस आर्म्स ज्यादा लंबे हो जाएंगे, इसका फायदा ये होता है स्ट्रिंग एफिशिएंसी को रिड्यूस, स्ट्रिंग एफिशिएंसी या यूं कह लें कि अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेन रीजन है ना, वो है कैपेसिटेंस, शंट कैपेसिटेंस. हमारा मकसद ये होता है कि हम इसको रिड्यूस कर सकें या कम्प्लीटली ख़त्म कर दें, उसके लिए लॉन्गर क्रॉस आर्म्स यूज किए जाते हैं. यानी आपका जो टावर और इंसुलेटर का बीच का डिस्टेंस होता है वो जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस उतनी कम होगी. कैपेसिटेंस और डिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन होता है. आई गेस ये बात से सबको समझ आ रही होगी. यूँ समझ लें कि यहाँ पर एक डायग्राम थी. अच्छा ठीक है, तो क्रॉस आर्म्स को लंबा करने का मतलब स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का ये तरीका होता है कि लॉन्गर क्रॉस आर्म्स यूज किए जाएं. लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता. अगर आपके क्रॉस आर्म्स लंबे हो जाएंगे तो आपके टावर की स्ट्रेंथ जो होगी और कॉस्ट जो होगी, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के फैक्टर्स अब इन्वॉल्व हो जाते हैं. मतलब आपके जो इंसुलेटर्स हैं उनकी वैल्यूज डिफरेंट लीज हैं, यानी उनकी हर इंसुलेटर की कोई कैपेसिटिव वैल्यू है. ठीक है, अगर सेम कैपेसिटिव वैल्यू होगी उसके ऊपर सेम वोल्टेज होगा. आप ये कर सकते हैं कि डिफरेंट कैपेसिटिव वैल्यूज के इंसुलेटर्स को आपस में अटैच कर दें, इससे जो उसकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी होगी वो इंप्रूव हो जाएगी. यानी सबका डिफरेंट वोल्टेज लेवल होगा. यूं कह लें तो
कैपेसिटेंस और वोल्टेज का डायरेक्ट रिलेशन होता है, गेस पता नहीं, मुझे कोई बता दे। नहीं, इन्वर्स होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है ना। जब हम कैपेसिटर हटाते रहेंगे तो आपका वोल्टेज ब्रेकडाउन होता रहेगा, मींस वोल्टेज में क्यू और वी होता है ना, यानी अगर कैपेसिटिव वैल्यू कम रखी जाएगी तो उसका वोल्टेज ज्यादा होगा। जी जी, ठीक है। नेक्स्ट इज बाय यूजिंग अ गार्ड रिंग। आप अपने इंसुलेटर के अक्रॉस एक गार्ड रिंग यानी मेटालिक रिंग सी लगा दें, ठीक है। जिससे क्या होगा, ये जो सी वन है, ठीक है, ये शंट कैपेसिटेंस कहलाती है। गार्ड रिंग लगाने से ये होता है कि गार्ड रिंग और इंसुलेटर के दरम्यान भी एक कैपेसिटेंस प्रोड्यूस हो रही होती है, वो और शंट कैपेसिटेंस ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो जो शंट ये कैपेसिटेंस होती है, इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है। नेक्स्ट, ये इसके फॉर्मूले के हिसाब से न्यूमेरिकल्स हैं। अच्छा, क्रॉस आर्म्स समझ आ गए थे या दोबारा बताने की जरूरत है? मैं आ गई क्रॉस आर्म, आगे किसी को नहीं आया तो पूछ सकते, पूछ सकता है। मैंने यहाँ डायग्राम भी डाली थी लेकिन वो शो नहीं हो रही है, उससे ज्यादा क्लियर हो जाता है कि क्रॉस आर्म्स कैसे होते हैं दिखने में। आगे मूव कर, ठीक है। नेक्स्ट इज कोरोना इफेक्ट। ट्रांसमिशन लाइंस में जो सबसे मेन या कह लें या इम्पोर्टेंट लॉस होता है वो कोरोना लॉसेस होता है। पहले देख लेते हैं कोरोना क्या होता है। कोरोना इफेक्ट इज बेसिकली, कभी पता नहीं शायद आप लोगों ने देखा हो या नहीं, ट्रांसमिशन लाइन के पास के ऊपर एक वॉयलेंट ग्लो होता है, पर्पल कलर का या ब्लूश टाइप का कोई ग्लो शो हो रहा होता है या एक हिसिंग साउंड आ रही होती है, वो बेसिकली कोरोना कहलाता है, ठीक है। अच्छा, कोरोना प्रोड्यूस कैसे होता है? ट्रांसमिशन जो मोस्टली हो रही होती है वो हाई वोल्टेजेस पे हो रही होती है। हाई वोल्टेजेस का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड होगी वो भी ज्यादा होगी। आपके कंडक्टर के अक्रॉस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये आपका कंडक्टर है, इसके अक्रॉस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी वो ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट प्रोड्यूस होगा कंडक्टर में के अक्रॉस। बता दो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज बेसिकली चेंज इन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। इसको यूं समझ लें कि फर्ज करें आपके पास एक कंडक्टर है, उसका वोल्टेज है 400 kV, ठीक है। उससे थोड़े से डिस्टेंस 1 cm के डिस्टेंस पे आप वोल्टेज मेजर करेंगे थोड़ा दूर जाके कंडक्टर से, तो वहां पे फर्ज करें 300 kV आ रहा है। उससे और दूर जाएंगे तो 200 kV आएगा। मतलब जैसे कि ये कंडक्टर है आपका, डायग्राम जो है यहाँ पर 400 kV, इसकी जो लाइन का वोल्टेज है वो 400 kV, थोड़ा सा दूर जाएंगे यहाँ पे 300 kV होगा, और दूर जाएंगे 200 होगा, और दूर जाएंगे 100 होगा। तो ये चीज जो होती है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाती है, दिस वेरिएशन इन वोल्टेज। अच्छा, कोरोना में ये होता है, ट्रांसमिशन लाइन्स में हमारे पास कंडक्टर्स कुछ एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के हिसाब से लगे हुए होते हैं, ठीक है। उनके दरमियान जो होती एयर होती है, इट एक्ट एज अ डायलैक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ, नॉर्मल कंडीशन में हमारी जो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो 30 kV/cm होती है। ये वैल्यू याद रखिएगा क्योंकि इसके बारे में सवाल आ सकता है कि एट नॉर्मल कंडीशन डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज, ऑप्शंस गिवन होंगे, तो ये होती है 30 kV/cm, मीटर भी नहीं सेंटीमीटर। यानी अगर आपके कंडक्टर्स के दरमियान जो एयर प्रेजेंट है उसमें पर सेंटीमीटर में 30 kV से ज्यादा का वोल्टेज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए या आना शुरू हो जाए, तो जो एयर होगी वो आयनाइज होनी शुरू हो जाती है।
this ionization of air is called breakdown. Air breakdown जो कहलाता है वो basically air ionization ही होती है. अच्छा, इससे ये मसला होता है कि air में से भी current pass होना शुरू हो जाता है, यानी उसको एक conducting path मिल जाता है, virtual conducting path जिसे कहते हैं. Due to air breakdown, हमारे conductors में या transmission system में hissing sound produce होनी शुरू हो जाएगी. सुनी होगी आप लोगों ने कभी transmission tower के पास से गुजरते हुए एक zoom zoom की आवाज आ रही होती है, ठीक है, जिसकी वजह से conductor में sound vibration produce हो रही होती है. ये कोरोना की वजह से कंडक्टर्स में पावर लॉसेस होते हैं हीट की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में. और इसका एक मसला या बिगेस्ट डिसएडवांटेज ये भी होता है कि रेडियो इंटरफेरेंसेस का खतरा होता है, यानी जो आपकी कम्युनिकेशन लाइंस होती हैं उसके साथ इंटरफेरेंसेस का चांस होता है. इसके अंदर एक टर्म डिस्कस कर ले, दो टर्म्स होती हैं, डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज और विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज. डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज क्या होता है, ये एक मिनिमम वोल्टेज होता है जो रिक्वायर्ड होता है एयर आयनाइजेशन या ब्रेकडाउन ऑफ एयर के लिए. इसकी मोस्टली जो कोरोना स्टार्ट होना शुरू होता है या आयनाइजेशन जिस पॉइंट पे या जिस वोल्टेज पे स्टार्ट होनी शुरू होती है, ये डिस्ट्रप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज कहलाता है. मोस्टली जो इसकी वैल्यू होती है वो 30 kV/cm ही होती है, वही जो नॉर्मल कंडीशंस में डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का वोल्टेज लेवल की बात मैंने की थी. नेक्स्ट जो टर्म आती है कोरोना में वो है विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज. विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज क्या होता है, द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर द कोरोना ग्लो. इसकी वैल्यू 50 to 60 kV होती है. जब आपका वोल्टेज बिटवीन द कंडक्टर्स इससे ज्यादा हो, इससे अबव चला जाता है 30 kV से, ठीक है, तो कोरोना ग्लो फ्लेयर या नजर आना शुरू हो जाता है. अच्छा, पावर लॉसेस ड्यू टू कोरोना. कोरोना की वजह से पावर लॉसेस होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट, साउंड या केमिकल एक्शंस. केमिकल एक्शंस क्या होते हैं, ओजोन गैसेस. कोरोना की वजह से ओजोन गैस डिसिपेट होती है. इसको आगे डिसएडवांटेज में मैं ज्यादा डेप्थ में बता दूंगी. अच्छा, जब हमारे वेदर कंडीशंस चेंज होते हैं, जैसे कि रेनी सीजन आता है या बर्फबारी हो रही होती है, ठीक है, तो इसमें कोरोना जो होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है. आप नॉर्मल कंडीशन में कोरोना की जो विजुअल क्रिटिकल की वैल्यू होती है वो भी एक स्पेसिफिक रेंज तक रहती है, 30 से थोड़ी सी अबव. रेनी सीजन में क्या होता है, ये वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, यानी जो आपका कोरोना होगा वो इससे कम वैल्यू पे आना शुरू हो जाएगा. ये बुक में क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज और विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज का फॉर्मूला गिवन है, एक नजर देख लीजिएगा, वैसे आता नहीं है. अच्छा, इसके अंदर जो एक फैक्टर है MB, जिसे इरेगुलरिटी फैक्टर कहते हैं, ठीक है, इसकी इन स्पेसिफिक वैल्यू है डिफाइन की हुई 0.72 से 0.82. हर कंडक्टर के लिहाज से ये एक स्पेसिफिक वैल्यू गिवन होती है. रफ कंडक्टर्स के लिए इसकी रेंज होती है 0.72 से 0.82, ठीक है. इसी तरह जो ऊपर है क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज, इसके अंदर एक
एम ओ का फैक्टर है. एम ओ इज इरेगुलरिटी फैक्टर ही है, लेकिन ये डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज का है. पॉलिश कंडक्टर्स के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, डर्टी कंडक्टर्स के लिए इसकी 0.8 से 0.92 होती है, स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स के लिए इसकी वैल्यू 0.87 से 0.8 तक होती है. अच्छा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कोरोना होता है? एक तो एटमोस्फेरिक कंडीशंस जो मैंने डिस्कस कर ली, सेकेंड लाइन वोल्टेज. आपका लाइन वोल्टेज ज्यादा होगा तो कोरोना ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा वोल्टेज होता है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होती है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ज्यादा होगी, कोरोना ज्यादा होगा. आयनाइजेशन, एयर ब्रेकडाउन जो होगा वो होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से कोरोना प्रोड्यूस हो रहा है. नेक्स्ट इसके हैं मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कोरोना. कोशिश की जाती है कि कोरोना इफेक्ट को कम्प्लीटली तो खत्म नहीं कर सकते, इसको रिड्यूस कर सकते हैं. अच्छा, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ कंडक्टर या डायमीटर ऑफ कंडक्टर. अच्छा, एक चीज और, कोरोना को रिड्यूस करने का एक तरीका ये होता है, आर वाई बी ट्रांसमिशन लाइन में जो 3 वायर्स कंडक्टर्स होते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, इससे भी कोरोना इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है. लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको वही ट्रांसमिशन टावर्स की कॉस्ट का फर्क पड़ रहा होता है. तो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसको बढ़ा दिया जाए. मेन वजह ACSR कंडक्टर को यूज़ करने की यही होती है कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है. तो मैम, इसमें जब कंडक्टर का साइज बढ़ेगा तो तब भी तो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है ना हमारी. कंडक्टर का साइज बढ़ेगा, एक उसकी ACSR कंडक्टर की उसका लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्जली होता है. वैसे मुझे इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं पता, मैं ढूंढ के बता सकती हूँ लेकिन नॉट राइट नाउ. चैलेंज ठीक है मैम. एक ये चीज आपने पहले कही, मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर लेती हूं, मैं आपको ग्रुप में बता दूंगी. अच्छा मैम, एक और आपने कहा था कि रेनी सीजन में कोरोना कम हो जाता है और कुछ और बताया था. नहीं 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 नहीं, रेनी सीजन में कोरोना जो होता है वो ज्यादा होता है, उसका वोल्टेज कम होता है, मतलब बढ़ जाता है कोरोना का इफेक्ट. कहने का मकसद ये था कि जो वोल्टेज डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज होता है जिससे कोरोना स्टार्ट होता है वो कम हो जाता है. यानी एक रेंज है 30 जिसपे कोरोना आना शुरू होता है, ठीक है, और जब वोल्टेज लेवल 30 से अबव हो जाता है केवी पर सेंटीमीटर तो कोरोना नजर आना शुरू हो जाता है. ये एक नॉर्मल कंडीशन पे इसकी रेंज है, ठीक है, जो डिफाइंड होती है. आपके वेदर कंडीशन चेंज होते हैं तो इसकी जो ये रेंज होती है ये कम हो जाती है या गिर जाती है. जी मैं वही पूछ रहा था, ये किस तरह, मैं यही पूछना चाह रहा था कि इंक्रीज कैसे हो रही है और डिक्रीज कैसे हो रही है, ये चीज थोड़ा क्लियर कर दीजिए. अच्छा मैं बता देता हूँ, ऐसे है कि हमारे पास है ना, मींस के नॉर्मल वेदर कंडीशन चल रहा है, इसके अंदर ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन के लिहाज से पहले डर्टी आपकी ये जो एयर के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं वो कम होंगे. जब रेनी वेदर होगा इसके अंदर आपके पास पार्टिकल ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे. जब कंडक्टर के सराउंडिंग एरियाज में वो वाले पार्टिकल्स डस्ट आ गई है ना, डस्ट ज्यादा आने शुरू हो गई है. पहले आयनाइजेशन हो रही थी 30 किलो वोल्ट के ऊपर, अब वही वाली होने शुरू हो जाएगी 25 के ऊपर. मींस कि हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और वहां से वो इजीली आयनाइजेशन हो जाएगी. ठीक है ठीक है. तो फिर ये डस्ट तो रिमूव नहीं हो सकती ना, मतलब क्या अगर ये जैसे ये तो अब एटमॉस्फेरिक कंडीशन इसी वजह से इसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा था ना, ये वाला फैक्टर. मींस कि ये तो अब कंडीशंस इस लिहाज से तो नहीं हम कर सकते. हमारी कोशिश होती है कि ये तमाम वेदर कंडीशंस के लिहाज से ही हमारा वोल्टेज स्टेबल रहे, लेकिन इन औकात के अंदर जो कि रेनी कंडीशंस या कोई आपके पास डस्टी वेदर होते हैं इसके अंदर चांसेस ज्यादा होते हैं कि कोरोना आपका ग्लो ज्यादा हो, लॉस थोड़ा सा ज्यादा होना शुरू. ठीक है,
बहुत ब्रीफली बता देती हूँ. अच्छा, कोरोना का एडवांटेज ये होता है कि कोरोना की वजह से जो ट्रांजिएंट इफेक्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है. ट्रांजिएंट इफेक्ट क्या होता है? अगर सर्जेस आते हैं, लाइटनिंग होती है आपकी कंडक्टर के ऊपर, इसकी वजह से कंडक्टर जो आयनाइजेशन होती है कंडक्टर के दरमियान, उसमें ट्रांजिएंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, यानी आपका वोल्टेज लेवल बहुत बढ़ जाता है एक कुछ वक्त के लिए. ठीक है, वोल्टेज लेवल बढ़ता है तो कोरोना का उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है. वोल्टेज लेवल बढ़ता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बढ़ती है, वो बढ़ती है तो हमारा कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. कोरोना की वजह से हमारे अगर कंडक्टर्स में कोरोना प्रोड्यूस हो रहा होता है तो इन ट्रांजिएंट इफेक्ट्स को या इसकी एनर्जी को डिसिपेट कर देता है लाइट या हीट की फॉर्म में. ठीक है, इसका बिगेस्ट एडवांटेज एक ये होता है. सेकंड ये है ड्यू टू कोरोना फॉर्मेशन. अच्छा, इसकी वजह से जो डायमीटर इंक्रीज होता है, कंडक्टर का डायमीटर बढ़ता है, वर्चुअल कंडक्टर्स के दरमियान एयर की आयनाइजेशन होती है जिससे एक वर्चुअल पाथ, करंट का पाथ बन जाता है. ठीक है, इसे वर्चुअल डायमीटर ऑफ अ कंडक्टर बढ़ जाता है. ठीक है, जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक और कोरोना जो होता है इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस को रिड्यूस कर रहा होता है. इसका स्पेसिफिक रीजन और प्रॉपर्ली मैं आपको ग्रुप में रिटन फॉर्म में बता दूंगी. ठीक है, लास्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ कोरोना, लॉस ऑफ एनर्जी. हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम की एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ रहा होता है कोरोना की वजह से. सेकेंड ये कि कोरोना की वजह से ओजोन प्रोड्यूस हो रही होती है. ओजोन की वजह से आपके कंडक्टर के कोरोड या मतलब रस्टिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जिससे आपका कंडक्टर खराब हो जाएगा जल्दी. लास्ट इज थर्ड हार्मोनिक. कोरोना की वजह से हमारा जो सिस्टम करंट जो होता है उसमें अनस्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है थर्ड हार्मोनिक की वजह से. ठीक है, तो कोशिश की जाती है कि कोरोना इफेक्ट को रिड्यूस किया जाए लाइंस में. सेकेंडली एक और चीज होती है रेडियो इंटरफेरेंसेस, यानी कम्युनिकेशन लाइंस के साथ इंटरैक्शन. आई गेस दैट्स इट. काफी अच्छा एक्सप्लेन किया मैम आपने, है ना, काफी ज्यादा डीप. आई थिंक नॉलेज हाई बहुत डीप जा रहा था जी, काफी ज्यादा डीप आई थिंक. ये जो कोरोना इफेक्ट है ये सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन पे अपीयर होता है या फिर मतलब सिर्फ कंडक्टर पे अपीयर होता है या डिस्क इंसुलेटर्स वगैरह पे भी अपीयर हो सकता है? कंडक्टर के दरमियान होता है इफेक्ट, मतलब पहले साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है. सुनी नहीं, मतलब वायलेंट ग्लो जो है फिजिकली जो देखता है उसमें कंडक्टर के ऊपर होता है. कंडक्टर इंसुलेटर जहां पे कनेक्ट होता है ना वहां पर हो रहा होता है. मैं आई थिंक इम्तिहान में आप बेहतर ज्यादा और बता सकते हैं. मेरा जहां तक ख्याल है फ्लैश टावर भी हो सकता है ना, जब सपोज करें डेड एंड होता है या जब हम लोग कंडक्टर्स का टावर का वो पास के थ्रू हम कंडक्टर को मिला रहे होते हैं ना, जब कोई भी एंडिंग हो रही होती है, कर्व बन रही होती है आपके पास ट्रांसमिशन लाइन का, रुख मोड़ना होता है उस वक्त वो वाले टावर के जब आपके पास कंडक्टर लगा होता है नीचे, वहां ज्यादा होने के चांसेस होते हैं क्योंकि वो दोनों साइड के ऊपर इरेगुलर सर्फेसेस आ जाती है. तो इट मीन्स कि इस वजह से आपके पास कंडक्टर के ऊपर फ्लैश ओवर और इंसुलेटर के ऊपर फ्लैश ओवर की फॉर्म में भी जा सकता है. तो मेरे ख्याल में ये होता है. असल मेरे ख्याल में लूज कनेक्शन की वजह से भी, शायद फैजान भी आप बेहतर पता है. मैंने मतलब किसी जगह पे देखा है, अब या तो वो पता नहीं एक आर्चिंग टाइप की एक चीज प्रोड्यूस होती है
वो और कोरोना शायद एक है. अब ये इन चीजों में मेरा सवाल यही है, मैं वही पूछना चाह रहा हूं. तो चीज होती है वो तो पंचर होता है, यहां पे फ्लैश ओवर होता है. फ्लैश ओवर बेसिकली होता है जो इनिशियल या छोटे स्पैन के लिए जो आर्क आ रहा होता है वो फ्लैश ओवर होता है. लेकिन मैम ये आर्चिंग भी कंटीन्यूअसली प्रोड्यूस हो रहा होता है, कंटीन्यूअस आर्किंग जो होती है वो पंचर होता है. अच्छा, एक्चुअली ट्रांसमिशन लाइन मेरी अपनी जॉब मतलब मेरा पार्ट ऑफ जॉब जो है वो ट्रांसमिशन लाइन है नहीं, तो दूसरा है. लेकिन ये कि अक्सर जब हमारे कोई फॉल्ट आता है ट्रांसमिशन लाइन में तो उसमें एक रीजन ये होता है कि डिस्क जो है उसकी पंक्चर हो गई. तो ये पंक्चर का मतलब क्या फेनोमेना जो होता है पंक्चर का, ये ट्रम है ये किस लिए यूज होती है, क्या मतलब होता है इसका? आप ये कह लें कि इसका ना जो पिन साथ इंसुलेटर को कनेक्ट किया होता है ना वो क्रैक आ जाता है. सपोज कर लें जब वो क्रैक आ जाता है तो आपके पास वो क्रैक की फॉर्म में आपका डिस्चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन या करंट का पाथ जो होता है वो फ्लो करना शुरू कर देता है. इसको हम कह सकते हैं कि आपके पास पंक्चर हो गया. जो फ्लैश ओवर होता है वो उसके डिजाइन जो ऊपर वाला होता है जो कि इंसुलेटर की सरफेस होती है वो उससे या पिन से लेके या कंडक्टर से लेके वो उधर ऊपर से फ्लो करना शुरू कर देता है. उसके डिजाइन जो वो होते हैं ना कर्व सी बनी होती है, इधर से जो होना शुरू हो जाता है, जो वहां से नजर आना शुरू होता है वो फ्लैश ओवर होता है. मोशन भाई ये दोबारा बताइएगा, ये आप उसका इंसुलेटर में बता रहे थे डिस्क में पंचर का. इंसुलेटर जो होता है ना हमारे पास उसमें दो टाइप्स के आपके पास फॉल्ट आ सकते हैं. या तो वो इंसुलेटर प्रॉपरली डैमेज हो जाता है जिसको हम कहते हैं पंक्चर हो गई है. पंक्चर उस वक्त हो जाती है कि आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टेज या जो भी आपके पास ज्यादा आ गए हैं उसकी वजह से आपके पास क्रैक आया. और सपोज कर लें एक 11 केवी के लिए हमारे पास इंसुलेटर जिसकी डिजाइन है उसके ऊपर 30 केवी आ गया है, 30 केवी आया, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी से बढ़ गए हैं, उसकी जो इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज होती है ना जो पोर्सलिन होता है वो समय लगे वहां से डिसमिस हो गया, टूट गया किसी पाथ के थ्रू है ना, जहाँ से हमारी वो लगी होती है पिन वो वहां से टूट गया. तो आपके पास क्या होगा, वहां से आयनाइजेशन वाला पाथ बन जाएगा वो डिस्क के थ्रू और वहां पिन से आपका कंप्लीट ऊपर की तरफ लोड करना शुरू कर देगा. मीन्स की आपका क्रैक आ गया जिसकी वजह से आपका आप इस क्रैक को पंक्चर कह सकते हैं. आपका कम्प्लीटली इसके अंदर आयनाइजेशन होना शुरू हो गया, पंक्चर हो जाता है. दूसरा होता है फ्लैश ओवर. फ्लैश ओवर जो होता है वो इंसुलेटर जो पोर्सलिन का मटीरियल बना होता है वो उधर से लेके जो आपकी पिन लगी होती है या कंडक्टर मटीरियल जो नीचे वाला सपोज कर लें कंडक्टर लगा हुआ है ना वहां से आपका उस डिजाइन के ऊपर से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है पिन की तरफ, उसको हम कह देते हैं फ्लैश ओवर. इसी वजह से कहते हैं फ्लैश ओवर ज्यादा नुकसानदेह नहीं होता इंसुलेटर के लिए, पंचर ज्यादा होता है. क्यों पंचर होता है? आपका उसके अंदर क्रैक आ गया या कोई भी इसकी वजह से आपका वो पंचर हो गया तो आप उसको फौरन रिप्लेस करते हैं ताकि आपके पास लॉस ज्यादा ना जाए. लेकिन हम पंचर तो यहाँ पे ये भी तो कह रहे हैं कि मतलब वो सिर्फ सम टाइम के लिए होता है और ये जो फ्लैश ओवर है ये कंटिन्यू होता है. नहीं नहीं पंचर जो होता है वो आपके पास जो होता है वो अगर कंटिन्यूसली एक डिस्क पंक्चर हो गई है वो आपके पास पंक्चर ही रहेगी. फ्लैश ओवर जो होगी वो रीजन पर डिपेंड कर सकती है कि आपके पास वेदर कंडीशंस की वजह से डस्ट पार्टिकल्स इंसुलेटर डिस्क के ऊपर आ गए उसकी वजह से आयनाइजेशन वो पार्टिकल्स के ऊपर से पिन की तरफ जाना शुरू कर दी, इसको फ्लैश ओवर कह सकते हैं. मीन्स के फ्लैश ओवर तो आपके कंडीशंस के ऊपर डिपेंड कर सकती है, जो पंचर होता है वो कंडीशन के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा. वो आपके ऊपर जब वो ब्रेक हो गया या जब आपके पास वो क्रैक हो गया तो उसको फौरन रिप्लेस करना पड़ेगा. जैसे बारिश के मौसम में उसके ऊपर मॉइस्चर अगर आ जाए तो वो पास बन जाएगा कंडक्टर से आपका पिन में, हां करंट का पाथ बन जाता है. ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए भी एक चीज होती है कि हमारे इंसुलेटर्स को डिजाइन इस तरह किया जाता है रेन शेड्स की फॉर्म में. तस्वीर शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए. या एक बिल्कुल ऐसे ही मींस के ये है ना आप ऐसे कह लें कि कर्व सी बनी होती है ऐसे नीचे तो वो आपका पाथ ज्यादा बढ़ाने के लिए इंसुलेटर की कैपेसिटेंस था. ठीक है, तो जब वो पाथ ज्यादा बढ़ता जाएगा तो आपके पास इजीली वहां से फ्लैश ओवर नहीं. अच्छा, दूसरा ये कि मैम क्योंकि लेक्चर मैंने पूरा अटेंड नहीं कर सका मुझे नहीं पता डिस्कस हुआ या नहीं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन जो होती है टावर्स की वो वर्टिकल कहाँ यूज होती है हॉरिजॉन्टल कब यूज होती है? अच्छा, वर्टिकल यूज होती है जब हम टेंजेंट टावर यूज कर रहे होते हैं. स्ट्रेट अगर आपने स्ट्रेट डिस्टेंसेस पे अगर आपने ट्रांसमिशन लाइंस को लेकर जाना है ठीक है तो उस पर टेंजेंट टावर्स के ऊपर कंडक्टर्स इंस्टॉल किए जाते हैं. उसके ऊपर जो इंसुलेटर्स यूज होते हैं वो सस्पेंशन टाइप होते हैं जो वर्टिकली इंस्टॉल्ड होते हैं. जो दूसरी तरह के टावर्स आ जाते हैं वो डेविएशन टावर्स होते हैं जो डेड एंड्स या जो कर्व्स होते हैं या
टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली कह लें उस पे जो इंसुलेटर यूज होता है वो सेम टाइप होते हैं जिनको हॉरिजॉन्टली इंस्टॉल किया जाता है. मैं इसकी पिक्चर्स प्रैक्टिकल पिक्चर्स शेयर कर दूंगी ताकि. जी जी, प्रैक्टिकली तो मैंने देखा हुआ है, लेकिन मैं वैसे पूछना चाहता था कि कौन से कहां यूज होते हैं, किस वजह से यूज होते हैं, मतलब फिजिकल लोकेशन. आपका मतलब है कि फिजिकल लोकेशन पे बेस करता है उसकी? हां, फिजिकल लोकेशन पे बेस करता है. ठीक. अच्छा, ये बंडल कंडक्टर का डिस्कस हुआ है मैम इसका? बंडल कंडक्टर डिस्कस नहीं किया मैंने, खुद भी नहीं किया, क्योंकि उसके साथ डिस्कस करूंगी इलेक्ट्रिकल डिजाइन जब हम पढ़ेंगे इसका. ठीक है, ठीक. बंडल कंडक्टर, स्किन इफेक्ट वगैरह. अच्छा मैम, ये आपने कोई बताएगा? सेग. जी जी जी, मैं सैग ये था, मैं बता देता हूँ. मैम ने डिस्कस भी किया था सैग. हम इसको कहते हैं, जिसको हम मतलब उर्दू जबान में झोल कहते हैं ना. झोल से मुराद ये कि जैसे हम नॉर्मल मतलब कि ये कपड़े टांगने के लिए रस्सी देख लें ना, मतलब इसके बीच में अगर हम इसको बिल्कुल टाइटली बांधेंगे ना तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ठीक है ना. और अगर इसको हम थोड़ा सा लूज करेंगे तो इसमें एक झुकाव आ जाएगा, उस झुकाव को सैग कहते हैं. तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम सैग को कम से कम रखें. फायदा क्या होगा कम यानी टाइट करने का अजीम भाई? मतलब सैग रिड्यूस करना होता है हमें, मतलब सैग बढ़ेगा तो उसमें मतलब हमारे वोल्टेजेस ड्रॉप होंगे. मैं ऐसे ही ना? जी ठीक है. और मैकेनिकल वोल्टेज और मैकेनिकल स्ट्रेसेस के लिए भी होता है. मैकेनिकल स्टेबिलिटी जो है ना वो हमारी डिक्रीज होगी, मतलब के टावर पे जो है ना मतलब फोर्स ज्यादा लगेगी. मतलब जिसकी मैकेनिकल स्टेबिलिटी है ना तो वो ये है कि आप जो है ना कंडक्टर को जो है ना टाइटली मतलब के बांधे. लेकिन अजीम भाई, सैग को हम एक खास लिमिट तक वो रखते भी हैं, क्योंकि सर्दियों में जब वो कंडक्टर टाइट होना शुरू हो जाते हैं उसमें मसला आता है ना. जी जी, वो एक वो मैं उसी हिसाब से बात कर रहा हूँ, मतलब बिल्कुल टाइट की बात नहीं करना. यानी टोटली टाइट भी नहीं करना हमें. जी जी, बिल्कुल टाइट भी नहीं करना, बिल्कुल लूज भी नहीं करना. एक नॉर्मल एक रेंज है, एक उस तक रखना. अच्छा मैम, ये आपने एक सीरीज और सेल्फ और म्यूचुअल वाली जो कैपेसिटेंस की बात की थी वो तो समझ में आ गई. एक आपने शंट कैपेसिटेंस की बात की थी, वो थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा. अच्छा, शंट कैपेसिटेंस जो होती है वो टावर और इंसुलेटर के दरमियान जो कैपेसिटेंस बन आ रही होती है वो शंट कैपेसिटेंस कहलाती है. तो मैम, शंट कैपेसिटर को हम पैरेलल, अच्छा मैम मैं ये कह रहा था शंट कैपेसिटर को हम पैरेलल कैपेसिटर ही कहते हैं ना, मतलब शंट का जो वर्ड है वो पैरेलल कैपेसिटर को ही यूज करते हैं. मतलब कि हम टावर और इंसुलेटर के बीच में जो क्या कहते हैं पैरेलल में कैपेसिटर लगा दें उसको हम शंट कह रहे हैं. हां ठीक है. ये कैपेसिटर्स हम लगाते नहीं है, ये कैपेसिटर्स लगाते नहीं है, लगाते नहीं है, वो कोई होती है. जी जी, वो जो बन रही होती है. जी जी, दो कंडक्टर के बीच में जो इंसुलेटर, दो कंडक्टर के बीच. जी अच्छा मैम, ये एक मिनट, एक और चीज मैं इसमें ऐड कर देता हूँ उसके बाद आप. मैम इसमें आपने ना एक कोरोना उसमें ओजोन लेयर के बारे में बात की थी, तो मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ. एक्चुअली मतलब सब पार्टिसिपेंट को, ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर है हमारी, मतलब जिसे शायद O2 या O3 इसका फॉर्मूला है शायद, जिसको हम जिससे डिनोट करते हैं. ओजोन लेयर हमारी O3. ओजोन लेयर बेसिकली एक ये है, हम ऐसे कह सकते हैं जो हमारा सूरज की शुआएं है ना, मतलब अल्लाह ताला ने ये एक हमारे मतलब इसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में आटा छानी जिसे कहते हैं, मतलब सूरज की जो शुआएं हैं वो ओजोन लेयर से क्रॉस होती हुई आती हैं. अगर मतलब ये ओजोन लेयर हमारी बीच में से खत्म हो जाए, मतलब अल्लाह ताला ने इसको ऐसा निज़ाम बनाया कि मतलब कि वो जो सूरज की रेज है वो उसमें से पास होके आती हैं, और अगर ये रेज ये जो क्या कहते हैं ओजोन लेयर हमारी जो है जितनी थिन होती रहेगी उतना जो है हमारी ये जो है ना हीट बढ़ती रहेगी. तो इसी वजह से हम मतलब अक्सर कोशिश करते हैं ये जो इंडस्ट्रीज में अक्सर जगह से मतलब जो एनवायरनमेंट है उससे जो है ना ओजोन लेयर डिस्टर्ब रहती है. और इसकी गर्मी ज़्यादा होने की वजह भी ये है कि जिस तरह हमारी ये लेयर थिन होती जाएगी इस तरह जो है ना गर्मी बढ़ती जाएगी. जिस तरह मोस्टली कराची में पहले वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा होता था, किसी दौर में सुनते थे कि लोग यहाँ पे वेकेशन मनाने आते थे, तो अब ये कि यहाँ पे जो नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं तो इसकी वजह ये है कि मतलब कि जो है ना जिस तरह ओजोन लेयर थिन होती रहेगी ये इंडस्ट्रीज का जो एनवायरनमेंट है उससे जो इफेक्ट होता है, तो अब ये इस वजह से गर्मी ज़्यादा है. इसलिए हम जो है ना ग्रीनरी का जो अभी मुहिम हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट करवाई है उसकी वजह ये है कि ताकि जो है ना ये ओजोन लेयर को हम जो है ना जो और इफेक्ट हो रही है वो ना करें और जो है ना इसको बचाएं. तो ये जो ओजोन लेयर से जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन पर इफेक्ट पड़ता है जिसका कोरोना इफेक्ट भी बताया था वो इस वजह से, तो ये थोड़ा सा मैंने कम ऐड कर दूँ. थैंक यू. इसके अलावा अगर किसी को और क्वेश्चन है तो मैम से पूछ लें, नहीं तो फिर लेक्चर एंड कर दूं.
मैम माइक अनम्यूट कर दें ऑप्शन में जाके ना तो अच्छा किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले मैम से वरना फिर मीटिंग एंड कर दें किसी को कोई क्वेश्चन है ना वेल वेल एक्सप्लेन तो आपने काफी मशहूर है ना उसको डील भी कर दिया तो आई थिंक इस पर मैं मीटिंग एंड कर दूंगी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी जी मैम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी हां स्टॉप कर दें बेशक स्टॉप कर दें